गुमराह करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। और जब तक हूँ तो विधायक के रूप में ही करूँगा, आप किसी और को एडजस्ट कर सकते हैं। आज मंत्रियों को जो गाड़ियां मिल रही हैं, वो गाड़ियां तो सुरेंद्र राणा 2011 से रखी हुई हैं। हिमाचल में कांग्रेस सरकार को बने हुए अब तो 14 महीने बीतने को आए। इन 14 महीनों में प्रदर्शन गारंटियों पर विपक्ष के प्रहार व अब कांग्रेस के दो विधायकों के तेवर सरकार को झेलने पड़ रहे हैं। प्रदर्शन तक तो बात ठीक, उनके अपने रंज हो सकते हैं, विपक्ष के प्रहार भी ठीक, उनका दायित्व है। लेकिन अब जिस तरह से सुजानपुर के कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा बार बार अपनी ही सरकार पर वार कर रहे हैं, उससे उनकी नाराजगी ज्यादा गहराती दिख रही है। यही हाल धर्मशाला से कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा का है। हंसकर लठ भी मार देते हैं और अपनी बात को भी रख देते हैं, इससे सरकार की किरकिरी तो हो ही रही है। आइए देखते हैं ये वीडियो रिपोर्ट। पहला बजट झूठ की गारंटी, दूसरा बजट लूट की गारंटी। तो सर पूर्ण रूप से आश्वस्त थे जब चुनाव के टाइम हमारे को वादे किए गए थे। जो चीज़ समय पे जब होनी चाहिए, अगर उस समय ना हो तो जब आदमी को भूख लग रही हो तभी खाना खाएगा, जब उसका पेट भरा हुआ तब थोड़ी खाएगा। तो ठीक है, मैं अपने विधायक के रूप में कार्य कर रहा हूँ और जब तक हूँ तो विधायक के रूप में ही करूँगा, आप किसी और को एडजस्ट कर सकते हैं। आज मंत्रियों को जो गाड़ियाँ मिल रही हैं, वो गाड़ियों को सुरेंद्र राणा 2011 से रखी हुई हैं। और उतने बड़े मंत्रियों को घर मिलते हैं, दस दस गुना गुजारा के पास आज से 20 साल पहले के हैं। क्या आपको लगता है कि हम वो लोग हैं कि मुझे कहेंगे आओ जी राणा जी फटाफट आपको पढ़ा देते हैं, आप कैसे समझते हैं कि ऐसा होने वाला है? तो मान सम्मान की लड़ाई है और मेरी लड़ाई नहीं है, इस सुजानपुर की जनता की लड़ाई है।